ये है दोस्तों, ये वाला क्या है? ये है, ये जो देखिए दोस्तों, ये बादाम है दोस्तों, ये वाला ये बादाम है। और ये जो है दोस्तों, ये वाला दिखा दीजिए, कहीं बाहर से लाए तो। ये वाला दोस्तों, ये ना ये देसी वाला है दोस्तों, गांवटी वाला, इसको हर साल लगा सकते हैं। कांदा को हम जो कुछ कांदा बोल रहे थे दोस्तों, देखिए इसमें अंकुरित निकल ही गया है। ये वाला देखिए, ये है, ये वाला, ये भिंडी है दोस्तों, ये भिंडी बीज है, आसामी से रमकेलिया भी बोलते हैं दोस्तों। चेच भाजी, इसको क्या बोलते हैं तो, लाल वाला नहीं है, सफेद वाला है। अच्छा, मराठी में इसको सेंगा बोलते हैं दोस्तों, सेंगा। देखिए इसको अंबाड़ी, हम इसको पटुआ भी बोलते हैं, पटुआ भी बोलते हैं। इसका आप क्या बोलते हैं आपके तरफ, बताना दोस्तों। ये तो हम सेमी, इसको भी लगाएंगे किनारे किनारे। ये देखिए दोस्तों, ये देसी वाला है। तो इतना सारा रेशमा जी अब बीज लाई है, अब इसको अब लगा। दो लाइन में बादाम रहेगा और एक लाइन में अरहर रहेगा, उसके बाद में गैप गैप करके छोड़ेंगे इस तरह दोस्तों, लाइन लाइन ऐसे गिराना है। हेलो गाइस, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे आप, और हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज हमारे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम दिखाते हैं, आइए, इसमें हम बादाम और अरहर लगाने वाले हैं, और हमारे इधर कहते हैं एक पिचकी कांदा, तो उसको लगाएंगे। तो हमारे यहाँ संदीप जी इधर हल जोत रहे हैं, देखिए तैयार कर रहे हैं इस ज़मीन को। तो हम लगाएंगे आज बादाम, अरहर और पिचकी कांदा, हमारे भाषा में पिचकी कांदा बोलते हैं। तो दोस्तों आइए, थोड़ा सा संदीप जी से भी बात कर लीजिए आप नजदीक से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग मूंगफली लगाने जा रहे हैं, तो दोस्तों रेशमा जी बताएगी। तो हर एक जगह में मूंगफली को अलग अलग बोलते हैं दोस्तों, कहीं पास बादाम बोलते हैं तो हमारे इधर मूंगफली बोलते हैं। तो आज हम इसमें बादाम मूंगफली लगाएंगे, और उसके साथ मिला के अरहर भी लगाएंगे, और पिचकी कांदा बोलते हैं उसको कुछु, भी लगा, हाँ, और कुछ भी बोलते हैं कहीं की। तो आपको हम दिखाएंगे, चलिए इसमें आज लगाने वाले हैं, आज मौसम भी साथ दिया है दोस्तों। तो चलिए आइए, हम बीज को दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों अभी मैं इसमें हल जुताई कर रहा हूँ, देखिए बैला से, फिर इसको मैं पटा मारूंगा। अभी यहाँ बहुत काम है दोस्तों, ये कचरा वचरा है, ये सब को इसे निकालना है बीच बीच का, और एक घास है, ऐसे घास वास को पूरा निकालना है। तो दोस्तों अब हम दिखाने जा रहे हैं, आप लोगों को बीज दिखाने जा रहे हैं जो भी हम लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों दो दो लाइन बादाम का रहेगा, उसके बाद में अरहर का रहेगा, उसके बाद में साइड साइड बॉर्डर में हम वो जो कुचू कांदा बोलते हैं ना, उसको आप भी लगाने वाले हैं। हमारे महाराष्ट्र में पटुआ, पटुआ अमाड़ी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, मराठी में अमाड़ी बोलते हैं दोस्तों। तो ये है, मैं दिखाती हूँ बीज आपको अलग अलग बीज। ये है दोस्तों, ये वाला क्या, ये है, ये जो देखिए दोस्तों, ये बादाम है दोस्तों, ये वाला ये बादाम है। इसको 5 kg खरीद के लाया था दोस्तों, 120 रुपया के दर पे इसको दिए थे। और ये जो है दोस्तों, ये वाला दिखा दीजिए, कहीं बाहर से लाए थे भी, लेकिन थोड़ा ऐसे फुनाई में नहीं नहीं कीजिए, मैं नहीं देखी ना, वो पैक था। तो ये वाला दोस्तों, ये ना, ये देसी वाला है दोस्तों, गांवटी वाला, इसको हर साल लगा सकते हैं, मतलब किसी भी साल लगाएंगे, लेकिन ये इतना ही होगा। और जो हम दुकानों से बीज लाते हैं ना, वो एक ही साल उपयोग हो सकता है। हाँ, उसके बाद में यही कांदा को हम जो कुछ कांदा बोल रहे थे दोस्तों, देखिए इसमें अंकुरित निकल ही गया है, ये वाला। और लाई मुझे, ये देखिए, देखिए ये है, ये वाला, ये भिंडी है दोस्तों, ये भिंडी बीज है, हमारे भाषा में इसे रमकेलिया भी बोलते हैं दोस्तों। ये है, क्या है जी, ये चेच भाजी, इसको क्या बोलते हैं तो, लाल वाला नहीं है, सफेद वाला है। अच्छा, और ये लाए हैं झुंगा, सफेद वाला झुंगा, ये है दोस्तों, ये देखिए, खोल के दिखा देते हैं। मराठी में इसको सेंगा बोलते हैं दोस्तों, सेंगा, मराठी में इसको सेंगा बोलते हैं। अब ये रहा पटुआ, इसको अंबाड़ी मराठी में, इसको खोल के दिखाइए दोस्तों, दोस्तों बोल रहे हैं, सॉरी रेशमा जी, इसको खोल के दिखाइए, दिखाते हैं दोस्तों। ये है दोस्त, देखिए इसको अंबाड़ी, इसका अंबाड़ी बोलते हैं।
और इसको पटुआ भी बोलते हैं, पटवा भी बोलते हैं, इसका आप क्या बोलते हैं आपकी तरफ बताना दोस्त, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको कौन कौन से फसल कौन कौन से भाषा में ये अलग अलग नाम से लिया जाता है। तो देखिए इसको हम सेमी इसको भी लगाएंगे किनारे किनारे। ये देखिए दोस्तों ये देसी वाला है, इसको हर साल लगाते हैं हमारे घर में। तो आज हम ये क्या बोलना चाहिए बादाम के साइड साइड में लगाएंगे और देख रेख ही करेंगे, तो फल भी बहुत देता है दोस्तों ये छोटा वाला है। तो इतना सारा रेशमा जी अब बीज लाई है, अब इसको अब लगाएंगे। मौसम भी थोड़ा बादल बादल किया है, आज बाजार भी है हमारे यहाँ कोटगुल। एक दिन हम हमारे ब्लॉक में आप लोगों को हमारे लोकल बाजार मार्केट भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम ये सब कचड़ा वचड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं भी, लगाते हुए भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो आधा छोड़ के मत जाइए, हमारे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप रेशमा जी ये जो खरपतवार है इसको निकालने जा रही है, और उधर हल है, अभी मैं हल चलाऊंगा, फिर हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि बारिश आ जाने के बाद ना इसमें लगाने नहीं जमेगा, क्योंकि मिट्टी गीला हो जाएगा। कभी भी बादाम और ये जो अरहर लगाने के लिए ना ज़मीन एकदम ढीला होना चाहिए, इसे गीला नहीं होना चाहिए। तो भी रेशमा जी खरपतवार को पूरा निकाल रही है, इधर भी है और उस साइड भी है, तो सबको निकाल रही है। दोस्तों देखिए तैयार कर लिए हैं संदीप जी, इसमें पाटा मारे हैं उससे, और इधर देखिए लाइन भी बना लिए हैं और इसमें का खरपतवार भी निकाल लिए हैं। वैसे तो बहुत खरपतवार था, कुछ कुछ बच गया है दोस्तों देखिए। और इसमें अभी जगाने के लिए पूरा तैयार कर चुके हैं संदीप जी, इधर देखिए ऐसे लाइन है, ऐसे सीधा लाइन गया है देखिए दोस्तों, ऐसे सीधा सीधा लगाएंगे हम लोग। तो संदीप जी बताएंगे पहले क्या क्या लगाएंगे, क्योंकि बीज तो बहुत सारा लाई हुआ है, इस तरफ लाइन बनाते ही जा रहे हैं। तो मौसम थोड़ा ख़राब होने जैसा हो रहा है, तो मैं लगाते जाऊंगी और संदीप जी इधर लाइन बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार हल से लाइन बनाते जाते हैं, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों, आप लोग भी बनाते होंगे। तो वाकई में ट्रैक्टर से उतना खास नहीं बनता है दोस्तों, जितना हल और नांगर से बनता है। तो नज़दीक जाके दिखाती हूँ, और इधर पाटा मारा हुआ है, ये देखिए इसको पाटा मारा हुआ है और लाइन मारा हुआ दूसरा दिख रहा है। नज़दीक जाके दिखाती हूँ, बैल भी चल रहा है। तो बता दीजिए जी दोस्तों, फाइनली हम लोग ये कर लिए हैं, इस साइड से दिखाऊंगा, देखिए फाइनली हम कर लिए हैं, इस साइड से देखिए किस तरह से दिख रहा है। ये जो देखिए ऐसे लाइन मारे हैं ये इधर से, और इधर बाकी है दोस्तों, इधर हल है। अभी लगभग 2 बज रहा है दोस्तों, बैला को काफ़ी भूख लगा है तो जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में ऊपर बारिश का मौसम बनाए हैं। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि ये 2 लाइन में बादाम रहेगा और 1 लाइन में अरहर रहेगा, उसके बाद में इसे गैप गैप करके छोड़ेंगे, वो भिंडी को भी बीच में लगा देंगे। तो इस तरह से बनाए हैं दोस्तों, अभी हम इसे बोई चालू शुरू करेंगे। तो मैं इसको रेशा को बना लेता हूँ, रेशमा जी दिखाई दे भी। तो गाइस देखिए संदीप जी लगा रहे हैं बादाम, आपको नजदीक से दिखाऊंगी। इस तरह दोस्तों लाइन लाइन ऐसे गिराना है, ऐसे ये देखिए, अभी लगाना भाई जस्ट इतना बचा है दोस्तों, इसमें अरहर है फिर ये मूंगफली है, ऐसे लाइन लाइन लगाई है ये देखिए ऐसे। ये जो है ना एक एक बीज तक के अंतराल में ऐसे कर रहे हैं देखिए, इसको ऊपर से भी इसको मिट्टी को ढक देंगे, पट्टा फान देंगे ये देखिए, इसमें इसमें रहेगा अरहर ना,
नहीं इसमें बादाम है, अरहर के तो है। आज के लिए इतना ही, और हमारे ब्लॉग तो बाय।